नमस्कार दोस्तों, आज हम मिनी इडली बनाएंगे। इसके लिए पैन में हमने एक कप पानी ले लिया है, जिसमें डाल देते हैं नमक और एक चम्मच तेल, और डालेंगे हरा धनिया और डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और पानी को उबलने देंगे। फिर डालेंगे एक कप चावल का आटा। चावल के आटे की इडली हम बना रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी होती है, और इसको आप चटनी के साथ, सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी और ऐड होगा, 2 से 3 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून लगभग पानी और ऐड कर देंगे और फिर से इसको घुमा देंगे। आटा अच्छे से पक जाए ये कोशिश करेंगे, इसलिए अच्छे से घुमा के उसको बना देंगे। अब हमने 5 मिनट के लिए आटे को रेस्ट दे दिया था। 5 मिनट बाद देखते हैं, आटा अब भी गर्म है बहुत, इसलिए उसको हम एक बोल में शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा सा हाथ में तेल ले लेते हैं, आटा चेक करते हैं। आटा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए थोड़ा उसको ठंडा करने के लिए एक बोल में शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे हाथों से आटे को मलते जाएंगे। आटा अभी भी अच्छा गर्म है, हमको थोड़ा गर्म आटा चलेगा। उसके बाद हाथों से इस तरीके से और अच्छे से उसको मल लेंगे। आटा बहुत अच्छे से मलना है ताकि बहुत अच्छी इडली तैयार हो जाए। अब आटा मल चुका है, थोड़ा सा हाथों में फिर से तेल ले लेते हैं। तेल ज़रा सा ही लेना है और आटे को फिर से थोड़ा सा मल लेते हैं। आटा तैयार है। अब छोटी छोटी लोइयां लेके इस तरीके से हाथों से गोल घुमाएंगे। इडली बहुत छोटी छोटी बनाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इडली अंदर से कच्ची रह जाएगी, नहीं तो फिर आटा मुँह में लगेगा। जितनी इडली मैंने आपको दिखाई है छोटी, उससे भी आप छोटी बनाइएगा, क्योंकि नहीं तो थोड़ी सी मोटी इडली में काफ़ी समय लग जाएगा आपको, और हो सकता है अंदर से कच्ची भी रह जाए, आटा लगे। 25 मिनट लग जाएंगे अगर थोड़ी सी भी मोटी होगी, और अगर बिल्कुल छोटी छोटी इडली आप बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट में इडली तैयार हो जाएगी। ये इडली बिना सांचे के बनाएंगे आज हम। एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए, उसमें एक छोटा सा स्टैंड लगा लीजिए। मेरे पास थोड़ा सा बड़ा स्टैंड है, आप छोटा सा इस तरीके का ऐसा स्टैंड और इस तरह की जाली भी आप ले सकते हैं। मेरे पास फ्रेंड्स अभी ये वाला अवेलेबल है, इसलिए मैं ये जाली ले रही हूँ और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और सभी इडलियों को रख दिया है। अब इसमें ऐसा ढक्कन लगाएंगे जो ये चारों तरफ से अच्छे से स्टीम्ड हो पाए। इसमें साइड्स में ऑलरेडी बंद है, इसलिए हम थाली से इसको ढक सकते हैं, और नहीं तो छोटा स्टैंड होता तो आप कढ़ाई के ढक्कन से उसको अच्छे से ढक लेते। अब 10 से 15 मिनट इसको धीमी आँच पर पकाएंगे। लीजिए, तैयार है हमारी छोटी छोटी इडलियाँ, बहुत ही टेस्टी और क्विक इडलियाँ। अब इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने तेल ले लिया है, हरी मिर्च, राई दाना, और ले लेंगे हींग, करी पत्ता, और इसमें डाल देंगे इडलियाँ, और ऐड करेंगे अदरक के लच्छे। आप इसमें चाट मसाला, अमचूर भी ऐड कर सकते हैं। इनको आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये मसालेदार हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, हरी धनिया डाल देंगे और तेल डाल देंगे। अब रेड चिल्ली फ्लेक्स भी डाल देंगे, आप वो वाली लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, और डालेंगे कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे इसमें, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत अच्छी इडली तैयार हो चुकी है, आप इसको ट्राई करें। ये मीठी नीम के पत्ते हैं जो हम लास्ट में डाल रहे हैं। अब इसको घुमा लेते हैं, थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का हो जाए तो आप इनको निकाल लें और सर्व करें चटनी के साथ। चटनी हमारे चैनल पे हेल्दी इंडियन रसोई पे नारियल की चटनी बहुत अच्छी हमने सिखाई हुई है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएँ ताकि अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमारे चैनल पर कौन सी रेसिपी देखना चाहें ये भी बताएँ।